मैं पांच मिनट में ये रिकॉर्ड करता हूं आपके लिए आप मुझे बस इतना बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या है आ, सर जी जैसे कि मैंने बताया है कि एक आ, एक ए, ए, एक मिनट सर मिनट लूंगा मैं आपको जस्ट ए मिनट सो सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ लेसन ऑन हाउ टू रिकॉर्ड हाउ टू क्रिएट

राइट सर सर मेरे अपना मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन है हम्म hmm. इसको हम एनजीओ कहते हैं ग्रेट तो उसमें हम लोग कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाते हैं हम्म hmm. हम तो जब लॉकडाउन से पहले हम लोग ऑफलाइन करते थे हम hmm. अब हम ऑनलाइन करने लगे हैं ग्रेट फॉर एग्जांपल ये पर्यावरण के बारे में क्योंकि hmm. मेरा सब्जेक्ट जो है मैं पर्यावरण का तज्ञ हूं बहुत बढ़िया जी तो पर्यावरण के बारे में सेव वाटर सेव अर्थ सेव प्लांट्स सेव प्लांट्सिमल हाँ तो इस पे हम लोग अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और ये जो है उससे बाकी लोग उससे बेनिफिट लेते हैं अब मुझे एक कैंपेन बताओ जो आप रन करना चाहते हो आप एनजीओ हो एक कैंपेन रन करनी है उस कैंपेन में लोगों को अवेयर सिर्फ अवेयर करना है या लोगों को जोड़ना भी है नहीं सर सिर्फ अवेयर करना है अच्छा तो सिर्फ अवेयर करने के लिए एक कैंपेन बताओ क्या आप जल बचाने पर बात करोगे या प्रकृति को बचाने पर बात करोगे सर मैं एक्चुअली ये चाहूंगा कि स्टूडेंट के जो स्टूडेंट लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर स्टैंडर्ड तक ठीक है सर इनके मन में इनके दिमाग में हम पर्यावरण के बारे में उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको हम डालते हैं। बहुत बढ़िया चलिए स्टूडेंट्स को पर्यावरण की जागरूकता देनी है अब चलिए मैं जी और ये आप किस पैनल किस चैनल पे चलाना चाहोगे सर एक्चुअली यही हमारा होता है ना कि जूम का प्लेटफॉर्म है किसी और प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या करेंगे एक रिसोर्स पर्सन के जरिए इसको हम चलाएंगे प्रोग्राम तो सबसे पहले आपको एक एड देनी है जी एड फैलानी है आपको चैनल्स पर जी चैनल आपके पास पॉपुलर है व्हाट्सअप है फेसबुक है लिंक है जी इन पर तो हाँ. अब इन सारे चैनल्स पर जो एड का डिजाइन साइज होता है वो डिफरेंट होता है जी अब मैं आपको एक जो व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर जो साइज चलता है उस साइज की एक एड क्रिएट कर रहा हूं इसी को आप दूसरे साइज में, में बना सकते हो जी तो यहां से क्या करना है आपको एक अवेयरनेस एड बनानी है सीधे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला मुझे कोरल ड्रॉ आता है मुझे फोटोशॉप आती है अडो प्रीमियर पर काम करता हूं एडवांस सॉफ्टवेयर पर मैं काम करता हूं बट मैं कर सकता हूं आपका काम एनजीओ का है आप इसके एक्सपर्ट नहीं है ना ही आपको उतनी सीखने की जरूरत है कि छह महीने आप उसकी ट्रेनिंग लें क्योंकि वो आपका काम नहीं है आपको तो सिर्फ इतना चाहिए कि आपके दिमाग में जो है वो सामने स्क्रीन पर आ जाए और लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत सिंपल भी। सा सॉफ्टवेयर से लेके चलता हूं मैं आपको मेरे सामने है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप सब फैमिलियर होंगे इससे फैमिलियर जी, है जी, मैं फैमिलियर तो इससे जब सब फैमिलियर हैं तो आपको क्या करना है इसको ओपन करना है सर और यहां सबसे पहले आपको ये देखना है कि मुझे किस प्लेटफॉर्म के लिए एड रन करना है तो पहला मैं बहुत सब यानी जो हैंड हेल्ड मोबाइल पर चलते हैं उन सारे चैनल्स पर एड डिजाइन करने की आपको तरकीब बता रहा हूं तो यहाँ आपको क्या करना है मोबाइल पर जो एड चलती है वो स्क्वायर एड होगी इंस्टाग्राम पर भी स्क्वायर एड होगी स्क्वायर का मतलब जितनी लंबी उतनी चौड़ी अब आप उस पर जो एड बनाएंगे वो एड बनती है आपकी आठ इंच बाई आठ इंच की जी आठ इंच बाई आठ इंच की तो मैं यहाँ सबसे पहले एक खाली स्लाइड लूंगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई आठ इंच बाई आठ इंच है और अगर इसकी नहीं है तो मैं उसको आठ इंच बनाऊंगा मेरा कंप्यूटर भी सेंटीमीटर पर सेट है तो मैं आठ इंच को सेंटीमीटर में कर देता हूं तो ये शायद बीस सेंटीमीटर के बीस पॉइंट सोलह बनती है आप बीस भी करोगे तो चलेगा बीस पॉइंट सोलह ये मैंने यहां ले ली और ये मेरे सामने आ गई यहां जो कुछ पे, बिल्कुल खाली है वाइट स्लेट ली मैंने यहां से शुरू कर रहा हूं 20 26 हो रहे हैं और अब मैं अब शुरू कर रहा हूं 20 30 तक मैं समझता हूँ ये पूरी कर जाऊंगा यहां अब सबसे पहले मुझे क्या central idea लाना है एक सेंट्रल आइडिया लाना है सेंट्रल आइडिया जिसे देख के लोग अट्रैक्ट हों तो मैं एक इमेज लाऊंगा इमेज के लिए मैं सीधा इंटरनेट पर चलता हूँ इंटरनेट पर मैं एक ऐसी इमेज सर्च करूंगा जो मेरे आइडिया को कहीं उजागर करती हो आइडिया उजागर करने के लिए स्टूडेंट या सेव नेचर अवेयरनेस इमेज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स मुझे आप कोई इमेज बताना कि आपके आइडिया पर सेट होती हो uh, Uh, सर जी जी ऐसी इमेज जहाँ पे बच्चे लोग जो स्कूल का कैंपस होता है उसमें वाटरिंग वगैरह कर रहे हूँ प्लांट को वाटरिंग कर रहे हूँ अच्छा तो स्टूडेंट्स वाटरिंग प्लांट्स इमेज ये लीजिए सर अब इसमें मुझे कोई भी ऐसी इमेज जो वास्तव तो में अट्रैक्ट करती हो जो हंसते चेहरे हो एक तो ये तीन बच्चियां बैठी हैं, ये है और नीचे चलते हैं मुझे किसी एक इमेज पे उंगली रखना जो आपको लगता हो आपके आइडिया को उजागर करती है मैं और इमेज सर्च कर सकता हूँ इसमें सर, सर ये वाला बढ़िया है कार्टून का दो लोग जो पानी डाल रहे हैं ये दो बच्चे जी सर कार्टून भी है और बच्चों को अच्छा लगेगा अच्छा ये लीजिए। तो यहां से इसको मैंने कॉपी इमेज किया नीचे भी हैं इसमें बहुत सारे मैंने वो दोनों उठा लिए मैं उस इमेज को लेकर यहां पहुंचता हूं राधर ये इमेज किसी की स्टॉक इमेज है और इस इमेज को मैं बड़ा करता हूँ अब इस इमेज को मैं थोड़ी सी क्रॉप करूंगा डबल क्लिक करूंगा डबल क्लिक करने के बाद ए, ये नीचे से सटर स्टॉक मैंने हटा दिया मेरी इमेज यहाँ बन गई अब मुझे आप अपने एनजीओ का नाम बताओ आ, सर डेक्कन डेक्कन एनविरोनमेंटल डेक्कन एनविरोनमेंटल एंड अच्छा एनवेराटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कौन सी लैंग्वेज चलती है आपके आसपास? सर कर्नाटक में तो कन्नडा चलती है और हम जो है लोकल लैंग्वेज में कन्नडा में और उर्दू स्कूल में उर्दू और इंग्लिश 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 स्कूल में इंग्लिश, में इंग्लिश hmm. सभी hmm. लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं hmm. तो इंग्लिश स्कूल में जो है इंग्लिश में रहेगा और कनाडा स्कूल में कनाडा रहेगा हम लोग बेटर इंग्लिश में करेंगे सर ताकि सब लोग समझ सकें हे यंग माइंड्स यू विल रिक्वायर नेचर लाइफ लॉन्ग जी बढ़िया लेट्स सेव इट कौन से शहर में आप सर बीजापुर बी आई जे ए पी यू आर यस सर यस सर कर्नाटका जी सर हाँ अब इसमें अट्रैक्शन सिर्फ ही अवेयरनेस है तो कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ फोन नंबर डाल सकते हो अपना जी बताइए फोन नंबर डबल नाइन एट सिक्स डबल जीरो टू फोर जी ये लीजिए सर आपका डक्कन हो गया अब ये बहुत सिंपल सी बनाई है मैंने टाइम कम करने का अदरवाइज इसमें जाने क्या क्या लगा सकते हो आप मैं इसे और और इसे अगर मैं बेहतर बनाना चाहूँ क्योंकि मैंने टाइम सीमा ली है तो मैं इसको एक बॉक्स ले सकता हूँ जो इसके बैकग्राउंड पे स्प्रेड कर दूंगा और इसकी बाउंड्री हटा दूंगा रिमूव आउटलाइन करके ऊपर आ जाता है मेरे पास इसको मैं ग्रीन बैकग्राउंड कर सकता हूं इसको राइट right क्लिक करके सेंड टू बैक कर दूंगा तो बाकी सारी चीजें सामने आ जाएंगी और ये पीछे चला जाएगा ठीक है अब ये थोड़ा सा आ, इसका नजरिया ही चेंज हो गया आप चाहो तो इस इमेज के पीछे का वाइट बैकग्राउंड भी हटाया जा सकता है इसको कुछ नहीं करना इसका व्हाइट बैकग्राउंड यहां से दो तरीके हैं या तो यहां से हट जाएगा यहां से गड़बड़ होगी नहीं हटेगा पूरा तो इसको बैकग्राउंड डॉट बीजी करके एक वेबसाइट है उस पर अपलोड करो और फिर बैकग्राउंड हटा के डाउनलोड कर लो तो बैकग्राउंड बैठ जाएगा पर ये अच्छा लग रहा है हरा कलर अच्छा perfect. लग रहा है परफेक्ट लग, लग रहा है अब इसको आपने क्या किया फाइल सेव एज, सेव एज किया और यहां नाम दिया इसको ग्रीनरी अवेयरनेस जो भी आप देना चाहो और डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर रहा हूं और यहाँ से इजी लेना है हमेशा ये ध्यान रखना है जेपी इजी जॉइंट फोटोग्राफी एडिटिंग ग्रुप ये इसका फॉर्मेट है और इसको सेव किया ये सेव हो गया नाउ गोइंग टू व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर जाने के लिए आपका कौन सा वाला ग्रुप है बी फोर्टी वन जी ये लीजिए यहाँ गए और वेबसाइट है आपकी जी है सर बताइए डब्ल्यू 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 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट अट डब्ल्यू 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 डॉट डॉट डी ई आर ओ इंडिया इंडिया डॉट डॉट ओ आर जी डॉट डेरो इंडिया डॉट ओ लीजिए साहब आपकी ऐड आ गई आपके पास जी बढ़िया जो भी इस पे बटन दबाएगा तो पूरी इमेज खुलेगी नीचे वाले पर बटन दबाएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट अस एट सीधे आपके वेबसाइट पे लैंड कराएगी जी ठीक है और आप इसमें अगर एक चीज और रख दें कि अगर स्कूलों में डालें इसको तो इस स्कूल मैनेजमेंट जिनको दस पेड़ फ्री में चाहिए वो हमसे बात करें आप देखना जैसे फ्री की बात करोगे ना फ्री की रेवड़ी बांटोगे तो दुनिया आती है <laughs> सही बात आप लिखो दस पेड़ फ्री में चाहिए आपके आपके अपना जो इन ग्रीनरी है उसमें बच्चों को अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको हमारी फ्री कंसल्टेशन चाहिए वी आर रेडी बुक करो आप आपके अंदर प्लांटेशन को कैसे संभालना है स्कूल को ये कहोगे ना प्लांटेशन को कैसे संभालना है तो जरूर बुक कराएंगे फिर कहना हम प्लांटेशन भी संभाल लेंगे बच्चों को एक लेक्चर भी देंगे आपके ऑडिटोरियम में और आ, आपको बताएंगे कौन से पेड़ कहाँ लगाने हैं आप कंसल्टेशन शुरू कर दो स्कूल में घुसते ही कांटेदार पेड़ कहाँ लगाने फूल के पेड़ कहाँ लगाने हमसे कंसल्टेशन लो और फिर उनसे कहो बच्चों को एक हमें लेक्चर देंगे बस हो गया काम आपका बढ़िया सर बढ़िया ठीक है तो ऐसे करके सर एक और डाउट था हाँ। uh, usually, uh, जब भी है, तो डेट uh, और लोगो भी हाँ बिल्कुल लोगो मैं इसी में फिट करूँ, है आपका हाँ मेरा है सर तो मैं एक काम करता हूँ इसी फाइल को आपको पोस्ट कर देता हूँ जी चलेगा तो आप सबके लिए फाइल आ जाएगी फाइल सेवेज and this PC and uh, browse desktop, ad design for WhatsApp and Telegram posts ये आपका ad design हो गया सर और मैं इसको आपके WhatsApp में as a document post कर रहा हूँ आप सब लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं एड डिजाइन ऑन डेस्कटॉप के दर है ये रहा। इसमें आप ये फाइल आ गई है पार्टिसिपेंट कैन डिजाइन दे एड इन दब अब लीजिए सर ये आप आप इसमें आप डाल के अपना बना लेना ये कर सकते हो एंड नाउ नाउ द सेकंड थिंग इन केस यू वांट टू क्रिएट वन लोगो और एनी टेम्पलेट्स रेडीमेड गो टू द कैनवा डॉट कॉम अगर किसी को पावर पॉइंट में भी दिक्कत हो और कुछ आइडिया नहीं आता हो तो कैनवा डॉट कॉम फ्री पोर्टल है वहाँ गए लॉग किया लॉग इन विद गूगल मेरा अकाउंट है तो देखता हूँ कौन से अकाउंट से मुझे एंट्री देगा चलिए जी इसने मेरे को लॉग करा दिया यहाँ आपके पास सबसे सामने पोस्टर है आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकते हैं एनी कमर्शियल डॉक्यूमेंट यू वांट डिजाइन तो इट कैन गिव यू लोगो मैं लोगो डिजाइन करता हूँ आपके लिए और लोगो के लिए बिल्कुल शुरुआत में जाना हो तो बहुत सिंपल है यहाँ आपके पास बहुत सारे लोगों के डिजाइंस होंगे फ्री तो फ्री डिज़ाइन्स में आप क्या करेंगे नेचर नेचर का कोई लोगो लें तो यहाँ से आपके पास ऐसे कुछ नेचुरल चीजें मिल रही हैं जिसमें से एक मेरे को ये ग्रीन मिल रहा है एक तरीका दूसरा मिल रहा है ये यह, यहाँ से डेक्कन क्या बताया था अगला नाम इनवीरोमेंटल इनविरामेंटल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा सर एक है सर डी आर ओ काफी है सर अच्छा जी सर बीच में डी आर ओ कर दू हाँ बस सर काफी है सर अच्छा ये लीजिए और भी कुछ डालना है इसको कलर चेंज करना है जो भी है क्रॉप करना है सब कुछ हो सकता है यहाँ तो यहाँ से आप इसे करके और मान लिया मैं ये बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ इसका क्योंकि जिस काम के लिए आप कर रहे हैं काम आपका ही होना चाहिए तो ये हो गया सब आपका सिंपली एक छोटा सा डिजाइन मैंने कर लिया इसमें आप जितनी एडवांसमेंट करना है कर सकते हैं यहां से बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हो एलिमेंट जोड़ सकते हो फोटो ला सकते हो कोई बाहर से कोई अपना लोगो ला के ला सकते हो लाने के बाद यहां से आपको क्या करना है पीएनजी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लेना है हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में बनता है ये मेरे सिस्टम पे आ गया है और अब मैं आपको इसको आपके व्हाट्सएप में पहुंचा रहा हूं मुश्किल से मुझे दो मिनट एक लोगो डिजाइन करने में लगे हैं और मैंने आठ से दस मिनट आपके डिजाइन करने में रखे थे ये, ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप अभी बंद मत करना एक बार हम्म इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कीजिए जी ये जो ये बनाया एड डिजाइन क्या लिखा हुआ नीचे यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आती है थोड़ा और नीचे ये ये एड डिजाइन फॉर व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ये, ये ये मैंने ये अभी, मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट जो मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है ना हुँ.

और अगर कोई लिंक रखोगे जैसे मैं एक YouTube का लिंक ला रहा हूं आपके लिए तो आप देखेंगे मैं एक जैसे ये मेरा एक लिंक है और आप चाहते हो इस लिंक को जैसे ही रखोगे दो सेकंड आप उसका इंतजार करना और उसका इंतजार करते ही ये ऊपर आपके सारा हेड बना देगा वहां से लेके और आप देखोगे फिर ये आपने तो सिर्फ लिंक रखा ये मेरी फोटो भी ला देगा अभी वहां वीडियो पूरा प्रोसेस नहीं हुआ ये यहाँ फोटो भी दिखाएगा आपको तो है ना कमाल की बात ऐसे भी आप रख सकते हो यहां ये इसको दिखाएगा तो ठीक है लोगो डिजाइन हो गया हमारा अब आ, यहां तक कोई क्वेरी किसी की हो तो मुझे पूछ सकते हैं हाँ, ऐसे करके अब यहाँ कैनवा में मैं वापस चलता हूं आपके लिए अब आपको पोस्टर बनाना है रेडीमेड यानी वहां पावर पॉइंट में बनाने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पोस्टर रेडीमेड बना सकते हो यहाँ रेडीमेड बनाने के लिए आपके पास पोस्टर अगर इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो तो यहाँ है एक हजार अस्सी बाई एक हजार अस्सी की तो आप बेहतर है वो एक हजार अस्सी एक हजार अस्सी लो अगर आपको व्हाट्सएप की बनानी है या इंस्टा की बनानी है तो यहां से उठाओ तो ये साइज देगा आपको फिक्स वही स्क्वायर। अब यहां स्क्वायर साइज दिया है इसने व्हाट्सएप के लिए बना रहे हो तो आपको आ, कोई और वॉल्टियर करेगा मुझे तीसरा आदमी यहां से जिसकी एड में बनाऊ एनी बडी एल्स हियर प्लीज ओपन यू माइक एंड वॉलेंटियर मी जस्ट केस यू वॉन्ट टू गेट योर एड डिजाइंड हियर

थे अभी पता नहीं क्या हुआ है? एन शर्मा जी प्लीज ओपन करो सर मेरा बना था शिक्षा मार्गदर्शन का शिक्षा मार्गदर्शन चलिए बहुत बढ़िया तो हम शिक्षा मार्गदर्शन पे चलते हैं तो एजुकेशन लिया एजुकेशन के लिए आप यहाँ से मुझे बताएंगे कौन सा टेम्पलेट में ले लू जो आपको अच्छा लगे सर जस्ट ए मिनट मैं नीचे तक जा रहा हूँ तो इसमें जहाँ शिक्षा मार्गदर्शन ये लिया मैंने एक और यहाँ ऊपर शिक्षा मार्गदर्शन ये लीजिए ये बन गया आपका अब मैं यहाँ एक चीज और लाना चाहता हूँ जो मुझे आ, इंटरनेट से लानी पड़ेगी एक इमेज लाके रखूंगा और कोई इमेज ढूंढता हूं ऐसी जो शिक्षा मार्गदर्शन से संबंधित हो क्या लाऊं सरस्वती की फोटो सरस्वती माँ की फोटो लाऊं कुछ और सत्या सर किसी की भी लगा दो सर चलिए मैं एक एक इमेज मैंने सेव की जो मुझे हैंडी मिल गई है और मैं अब आपके पास यहाँ शिक्षा मार्गदर्शन पर इसको अपलोड करूँगा यहाँ मीडिया में अपलोड करके ला रहा हूँ कहाँ से लाऊँगा डिवाइस से लाऊँगा डिवाइस पर मेरे पास ये डेस्कटॉप पर अवेलेबल है है हैगी ये रही है ये मैंने इंटरनेट से पहले कंप्यूटर पर डाउनलोड की कंप्यूटर से फिर मैंने इसको वापस इंटरनेट पर अपलोड किया कहाँ कैनवा डॉट कॉम में फिर कैनवा डॉट कॉम से मैं इसे यहाँ लाया और ये ये लीजिए शिक्षा मार्गदर्शन नीचे वाले को थोड़ा सा बड़ा करूंगा इक्यासी पॉइंट आठ है तो मैं इसको एट्टी टू कर देता हूं तो क्या होगा ये मेरा अभी एट्टी टू भी कम है एट्टी थ्री साइज करूंगा अभी भी कम है एट्टी फोर साइज करूंगा तो ये बिल्कुल सिंक हो जाना चाहिए ऊपर वाले के साथ अलाइन होना चाहिए नाउ इट इज ऑलमोस्ट अलाइंड शिक्षा मार्गदर्शन बीक फॉर लाइफ ये मेरा एक लॉगो बना आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो और इसको डाउनलोड कर दो सिंपल पी एन जी में यस ah, डाउनलोडेड yes, गो एंड पेस्टेड वेयर इज दिस शिक्षा मार्गदर्शन कहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे है क्या नहीं डाउनलोड में होगा शिक्षा मार्गदर्शन ये लीजिए ये आपका लोगो बन गया इस लोगो का साइज छोटा करना है इसको पावर पॉइंट में ले जाओ इंसर्ट अब इस लोगों को अपनी हर इमेज में कैसे इंसर्ट करेंगे गो टू पावर पॉइंट गो टू द सेम फाइल वेर एवर यू वर डिजाइनिंग योर एडवर्टीजमेंट एंड इंसर्ट दिक्चर इट वॉज इन माई डाउनलोड फोल्डर ब्रिंगिंग इट ही दिस वन ये देखिए अब इसमें ऊपर नीचे बहुत सारा व्हाइट स्पेस है क्रॉप इट ये लीजिए मैंने इसको क्रॉप कर दिया ये लीजिए रिड्यूस इट लिटिल बिट पुट इट हियर ये लीजिए आपका लोगो बन गया इन केस यू वांट टू ब्रिंग द लोगो हियर यू कैन ब्रिंग इट हियर डेक्कन का लोगो है डेक्कन के लोगो को यहां से आप यहां रख सकते हो ये लीजिए ये डेक्कन का लोगो रख गया यस बहुत सिंपल है इस इमेज को आप बना सकते हो अब आपको लगता है शिक्षा मार्गदर्शन का छोटा सा मैंने यहां इमेज लगाया मतलब ये आपको कहीं से ऐसा लगता है कि ये लेमेन ने बनाया है बहुत दो मिनट में बनाया है पीछे एक आ, सन लाके लगाया एक आर्ट है वहाँ नीचे कैच लाइन है बीकन फॉर लाइफ ठीक है यानी जिंदगी की मशाल शिक्षा मार्गदर्शन का मतलब जिंदगी के लिए मशाल तो आप बना सकते हैं इसमें आपको कहीं टफ लगता है कि आप नहीं बना सकते यू कैन डू इट फॉर यू तो आज का असाइनमेंट ये है कि आप सब लोग एवरी वन हेयर दोज हु आर वॉचिंग और वॉचिंग दिस वीडियो और

Otherwise, going to close this today. Okay, thank you. No question. Please, assignment.